सेकंड का 15 सेकंड तक बीच में2024 का चुनाव जो विधानसभा का है, भारतीय जनता पार्टी 90 की 90 विधानसभाओं को जीतने का काम करेगी। मैं ये समझती हूँ जो हमारी बहन, हमारी बिटिया विनेश फोगाट जी हमारी आन है, बान है, शान है, उनको भारत जितना सर आंखों पर रखेगा, मैं समझती हूँ हमारी बेटियों का बड़ा सम्मान बढ़ेगा। मैं तो एक ऐसे वंचित समाज से आती हूँ और पूरा जीवन मैंने अपने क्षेत्र के लिए नहीं, समाज के लिए लगाया है। मेरा आपको जैसे कि पता है एक संन्यास जीवन है, मैंने गृहस्थी जीवन बसाया नहीं। अब मेरा शुरू से लेकर आखिर तक हमारे क्षेत्र के लिए मेरा जीवन समर्पित है और था और सदा रहेगा। कांग्रेस राज में था कि पहले बेटियां घर से बाहर भी नहीं जा पाती थी और 2015 में नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2024 के समय वो नारा सागर हो गया। जिस प्रकार एक बड़ी शर्म की बात थी जब कांग्रेस की सरकार थी, लिंगानुपात का अंतर झज्जर में सबसे ज्यादा था। जब से हरियाणा प्रदेश में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया था, जब से हमारी बेटियों का सम्मान बढ़ा है और झज्जर जिले का लिंगानुपात आज सबसे बढ़िया है और हमें समानता का अधिकार बहनों को मिल रहा है। मैं ये कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो भी मुख्यमंत्री आए हैं वो मैं समझती हूँ जन सेवक बनकर आए हैं और उनमें नायब सैनी जी भी एक इस व्यक्तित्व के धनी हैं। उन्होंने जिस प्रकार हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी के लिए उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए खुले दरबार लगाए, रात में और दिन जिस प्रकार उन्होंने मेहनत की है, मैं समझती हूँ ऐसा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारी तीसरी बार हरियाणा की सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। उनके साथ हम देखते हैं रैलियों में 10 लेडीज भी इकट्ठा नहीं कर पाते और आपके साथ लाखों में संख्या माताएं बहनों के रखा। हमारी बहनों का सम्मान हमारे हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने और वर्तमान मुख्यमंत्री ने और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे आयुष्मान योजना की बात हो, चाहे हमारी बहनों के घर में खाते खुलवाने की बात हो, इस प्रकार की हमारी शौचालय की बात हो, स्वच्छ भारत अभियान की बात हो, हमारी बहनों को सरताज की तरह उनका सम्मान बढ़ाने का जो काम किया है, चाहे वो खेल जगत की मेरी बेटी हो, चाहे हमारी सेना में भर्ती बेटियां हो रही हो, चाहे शिक्षा वर्ग में हो रही हो, ये हमारी हरियाणा सरकार ने और हमारी मोदी सरकार ने बहनों का जो सम्मान बढ़ाया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने
3 करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का सपना लिया है और उस सपने को साकार होते हुए हम सब देखेंगे 2047 का भारत कैसा होगा। ये आने वाला समय आपके साथ दिखेगा और किसान के लिए, जवान के लिए किसान निधि कितनी योजना, मैं बताऊं सुबह से शाम तक अगर मैं जिक्र करूं और मैं कांग्रेस की बात करूं, चौधर के नाम के नारे के ऊपर अपने परिवारों को नौकरियां देने का काम किया, पैसे से नौकरियां देने का काम किया और जिस प्रकार से भाई भतीजावाद का काम किया, ये कांग्रेस की मानसिकता है। और भारतीय जनता पार्टी में एक आम परिवार का बेटा बेटी मुख्यमंत्री बन सकता है, नायब सैनी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। 3 महीने के अंदर उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया और साथ में उनको मुख्यमंत्री बना दिया। 2024 का मैंने सर्वे किया है, महिलाएं कह रही हैं कि अब के वर्ष में चुनाव लड़ने का, देखो ऐसा है मेरी पार्टी का जो आदेश होगा, मैं काफी समय से पार्टी की सेवा में हूँ और ता उम्र तक पार्टी की सेवा में जीवन मैंने लगाना है। अगर मेरी पार्टी को लगता है अगर हमारी कार्यकर्ता झज्जर विधानसभा से सीट निकाल सकती है तो मैं मेरी पार्टी के आदेश को मानूंगी। सुनील चौहान एक ऐसी महिला है जो हमेशा से मध्य वर्ग में रही है, महिलाओं के बीच में रहती है, उनके सुख में जाती है, तुम पहली पार्टी आपको टिकट नहीं देने की बात है। पार्टी का वो अपना विवेक रहेगा, जो पार्टी का आदेश आएगा, कमल का फूल जो भी मेरी पार्टी जिसको दे के भेजेगी मैं उसके साथ खड़ी हूँगी। 2024 के विधानसभा के लिए 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, ये माताओं का जन समर्थन आप देख ही रहे हो, जिस प्रकार से इन्होंने मोदी सरकार की हरियाणा सरकारी योजनाओं पर मोहर लगाने का काम किया है वो आपके सामने है।